पापा एक सेकंड रुकेंगे, बताएंगे कि ये सब चल क्या रहा है। दामाद की मुंह दिखाई नहीं करूं मैं, हाँ? आकाश की मुंह दिखाई? हाँ। मतलब देखो, जब एक नई दुल्हन घर में आती है तो समाज के सामने एक मुंह दिखाई की रस्म होती है, ठीक उसी तरह हम भी एक मुंह दिखाई की रस्म करने जा रहे हैं। हाँ? कितना अजीब है ये। अजीब है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर रहा हूँ जो मुझे करना है। अब दामाद आया है अपने ससुराल रहने, अब ये भी तो रोज रोज नहीं होता, ये भी तो अजीब ही हुआ ना। आकाश का, आकाश को बुला। अरे राकेश, वरुण ले आओ भाई आकाश को। पापा प्लीज। आकाश बेटे आ जा, पूरा सेटिंग मैंने तुम्हारे लिए किया है खास, बैठ बैठ। अब तो पक्का बुरा लगेगा पल्लव को। पापा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब आकाश की शक्ल तो हमने पल्लव की शादी के वक्त ही देख ली थी, फिर ये मुंह दिखाई, ये कुछ सेंस नहीं बनता ना। वाह क्या 100 रुपए वाली बात कही है भाई ने, क्या बात है पापा। लेकिन एक बात तो सच, ये आपका छोटा दामाद हैंडसम तो है, लेकिन ये मुंह दिखाई लड़के वाली ये कुछ समझ में नहीं है। तुम दोनों लड़का लड़की में फर्क क्यों ला रहे हो? जब लड़की की मुंह दिखाई हो सकती है तो फिर लड़के के क्यों नहीं? अरे लड़की का मूवी शादी के दौरान देखा जाता है, फिर भी लड़की की मुंह दिखाई होती है ना, है ना? ये बस एक रस्म है और कुछ नहीं। मैं शुरू करता हूँ बेटे। नहीं पापा। अरे अरे कुछ नहीं, रखो छोटी सी भेल। आओ जी मुंह दिखाई, रस्म निकालो भाई, पैसे वैसे निकालो। Here you go. ये लो भाई ये लो। भाई बड़े लकी हो यार, लौंडे होके मुंह दिखाई का नेक मिल रहा है, मतलब कमाल। सच में यार हम तो पुराने ट्रेडिशंस में अटक गए, बट दिस इज फन यार। सीरियसली मुझे तो फोमो हो रहा है। मैं तो दीपू को बोल रहा हूँ भाई हमारे भी करवा दो, हमारे भी मुंह दिखाने लायक तो है। बस अब और नहीं हो पाएगा मुझसे, इससे ज्यादा मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ पाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.